Indian shooter Deepak Kumar and Apurvi Chandela put in a dominant display to clinch gold in the 10m air rifle mixed team event in the ISSF Shooting World Cup. The duo outclassed China's Yang Qian and Yu Haonan 16-6 in the final. It is India's fourth gold at the event. India have so far secured 9 quota places in shooting for Tokyo Olympics. On his return to India, Deepak told nnis Sports it was no easy task to win gold on foreign soil. And now he was focused on qualifying for Tokyo Olympics through the next event in Doha. देखिए विदेशी धरती पर भारत के लिए गोल्ड प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है और जैसा कि इंडियन शूटिंग टीम आज की डेट में हम देखें तो स्पोर्ट्स लेवल पे नंबर वन पोजीशन पे चल रही है. इस साल के 4 वर्ल्ड कप हुए थे जो कि इंडिया चारों वर्ल्ड कप में, इवन जूनियर का जो वर्ल्ड कप था सूल जर्मनी में, 5 वर्ल्ड कप में नंबर वन रहा है. और प्रशंसनीय बात है कि इंडियन शूटिंग टीम इतना अच्छा कर रही है और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ. मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ. देखिए मैं अच्छी शेप में हूँ और जिस तरीके से कोचेज का एक हाथ है मेरे ऊपर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देने का और गवर्नमेंट की तरफ से जो अच्छा सपोर्ट है, हमारे नेशनल राइफल एसोसिएशन की तरफ से जितना अच्छा सपोर्ट है, आई थिंक वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर को ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा जैसा कि भारतीय व्यवस्था हमें दे पा रही है. और भविष्य में कामना करता हूँ कि इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखूँ और भारत के लिए मेडल प्राप्त करता रहूँ. देखिए 2017 में मैं इंडियन टीम में आया था और 2017 से और 2018 में एशियन गेम्स में भी मेडल लिया मैंने और तब तक मेरे पास अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल का. और उसी क्रम में अभी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है. अभी रिसेंटली हमारे पास में अक्टूबर में दोहा में एक एशियन चैम्पियनशिप है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मैं अभी तक ओलंपिक कोटा नहीं ले पाया हूं और अपना पूरा प्रयास करूंगा कि एशियन गेम्स जो एशियन चैम्पियनशिप जो दोहा में है मैं उसमें भारत के लिए ओलंपिक कोटा प्राप्त करूँ और ओलंपिक के लिए जाऊँ. देखिए हम सोचते तो हैं बड़ा, जब हम बड़ा सोचेंगे तो लगभग हम उस लेवल तक पहुंचेंगे अगर हम पहले ही छोटा सोचेंगे, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये पिक्चर है कि भाई ओलंपिक जाना है. अदरवाइज़ मैं ओलंपिक के लिए नहीं सोचूंगा तो शायद नेशनल लेवल पे भी परफॉर्मेंस अच्छी तरह ना दे पाऊँ. तो एशियन चैम्पियनशिप इज एक स्टेयरकेस है ओलंपिक तक जाने के लिए और मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करूँगा. देखिए अभी हमारा नेशनल राइफल एसोसिएशन इस चीज़ पे काम कर रहा है भारत का कि बर्मिंगम में शूटिंग को हटाया ना जाए. वहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी से शायद शूटिंग को इस बार हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं, बट देखते हैं. फेडरेशन का काम चल रहा है, अगर हुआ तो अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कॉमनवेल्थ में अगर हम देखें तो शूटिंग नंबर वन रहती है और वो भी इंडिया की रहती है. तो हम चाहेंगे ये कि उसमें शूटिंग रहे.